चंद्रयान के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब तक क्या क्या खोज की। भारत के चंद्रयान 3 के पास महज 14 दिन है, जिनमें से एक दिन बीत गया। क्या हासिल हुआ? चंद्रयान 3 की सफलता के बाद राहुल गांधी ने भी एक रिएक्शन किया और कह दी ऐसी बात। वहीं पाकिस्तान की विवादित टिकटॉकर हारिम शाह ने चंद्रयान 3 पर उगला जहर, भारतीयों से मिला करारा जवाब। आइए दोस्तों, चंद्रयान 3 से जुड़ी आज की 5 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आपको बताते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने कल इतिहास रच दिया पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया भर की हेडलाइंस न्यूज में। पहली खबर चंद्रयान 3 की ही है और इस बीच चंद्रयान 3 के लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर आ गया। अब ये चांद की सतह पर घूम रहा है, यहाँ पानी और कीमती धातुओं से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। लेकिन इस मिशन की सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, समय की पाबंदी, टाइम लिमिट। महज 14 दिन है प्रज्ञान रोवर के पास, यानी एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट काफी महत्वपूर्ण है इसके चंद्रमा पर घूमने के लिए। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे इन स्पेस चेयरमैन पवन के गोयनका ने देर रात प्रज्ञान रोवर की रैंप से बाहर आते हुए तस्वीर शेयर की और इसरो ने इस तस्वीर की पुष्टि भी की। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले। रोवर की चंद्रमा की धरती पर स्पीड है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से ये आगे बढ़ रहा है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरे और कई अलग अलग तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रोवर अगले 12 से 14 दिनों के दौरान करीब आधा किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसमें 2 पेलोड लगे हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं को खोजने में मदद करेंगे। अगले 12 दिनों के दौरान रोवर अपनी खोजबीन के डेटा जमा करके लैंडर के पास भेजेगा और फिर लैंडर इस डेटा को पृथ्वी पर इसरो तक पहुंचाएगा। हालांकि डेटा पहुंचाने में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी, क्योंकि चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 दोनों की कनेक्टिविटी भी बन चुकी है। दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया चांद की धरती और वातावरण में। इससे पहले रूस का लूना 25 मिशन फेल हो गया और अब दुनिया भर की निगाहें चंद्रयान 3 की खोजबीन के आंकड़ों, डेटा पर जुटी हुई है। इस बीच चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद चांद से पहले तस्वीर भी सामने आई। विक्रम ने चांद का नजारा दिखाया। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये चांद की धरती की तस्वीर है जो विक्रम लैंडर के द्वारा ली गई है। लैंडिंग के 2 घंटे 26 मिनट बाद ही लैंडर से रोवर बाहर आ गया था और चांद की धरती पर ये इसरो के लोगों और सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ की पहियों के जरिए छाप बना रहा है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा दोस्तों कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत को क्या हासिल होगा। हर सवाल का जवाब आपको बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हर एक भारतीय नागरिक को जाननी चाहिए। आखिर कैसे चंद्रयान 3 की खोजबीन का आम आदमी पर असर पड़ेगा, आम आदमी की जिंदगी में क्या क्या फायदे होंगे। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 जो डेटा जुटाएगा वो डेटा दुनिया की कई स्पेस एजेंसी भारत से खरीदेगी। एटलीस्ट भारत को इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। मून इकोनॉमी पर भी रिपोर्ट मैंने आपको कल शाम को डीएलएस न्यूज पर बताई थी। 2040 तक $1,000,000,000,000 तक पहुंच जाएगी मून इकोनॉमी। चांद पर पानी है या नहीं, चांद पर बस्तियां बनाने को लेकर भी अब इस रेस में भारत भी आगे आ चुका है। एटलीस्ट भारत का ना सिर्फ दुनिया में नाम होगा बल्कि भारत की इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी। दुनिया के दूसरे देश भारत में निवेश बढ़ाएंगे, भारत की जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो इससे आम आदमी की जिंदगी में काफी फायदे होंगे। महंगाई कम होगी क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों का विश्वास अब भारत पर मजबूत होगा, तो देश में निवेश बढ़ेगा, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, देश का विकास बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, बेरोजगारी कम होगी। इनडायरेक्टली मतलब ये एक मिशन भारत को इतने बड़े फायदे देगा जिनकी आप सोच भी नहीं सकते हैं। सिर्फ चांद पर पानी या दूसरी धातुएं खोजना ही इसका मकसद नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली भी चंद्रयान 3 के काफी फायदे होंगे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद पाकिस्तान की एक विवादित टिकटॉकर हारिम शाह बोलती हैं कि भारत को इतना पैसा तो टॉयलेट बनाने में खर्च करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान को तो मिर्ची लगी हुई है, भारत की सफलता देखी नहीं जा रही है। तो सोशल मीडिया पर इस टिकटॉकर को भी भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि पाकिस्तान के कई सारे नेता और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भी खुलकर भारत के चंद्रयान 3 मिशन की तारीफ की है। पाकिस्तान ने कहा कि केवल सपने देखने वाली युवा पीढ़ी ही दुनिया को बदल सकती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारत अब तो चांद और मंगल पर जा चुका है। जल्द ही सूर्य, शुक्र और वीनस के लिए भी मिशन लॉन्च किए जाएंगे इसरो की तरफ से। राहुल गांधी ने भी इसरो को बधाई दी इस लॉन्चिंग के बाद। और भी आगे आगे जैसे इसरो के रोवर से अपडेट आएंगे खोजबीन के, मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।